मतलब एक 20 रुपए के चाट में एक टिकिया डालते हैं ना, वही मैं बोला इतना बड़ा बड़ा टिकिया है, आप 10-10 रुपए का चाट बनाते हैं इतना बड़ा बड़ा टिकिया का। और दोस्तों क्या हाल चाल, समझते है, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आपका एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो आज 26 तारीख है और दोस्तों कल रात को जो भी मैंने ब्लॉग अपलोड किया था आप लोगों ने देखा, वो टेंट गाड़ने वाला, तो बहुत सारे भैया लोग कमेंट किए, अधिकतर लोग कमेंट किए कि वहाँ पे जो गड्ढा कर रहे हो वो करना नहीं चाहिए। देखो दोस्तों हम लोग ना पहली बार लगा रहे हैं और हर साल वहाँ पे लोग लगाते हैं, लेकिन हर साल जो लोग लगाते हैं उनका गड्ढा ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। तो गड्ढा करने से पहले हम लोग ये भी सोचे थे कि वहाँ पे सीमेंट और जो जीरा गिट्टी होता है ना, छोटा छोटा गिट्टी होता है, उसको वहाँ पे ना मिला के भर देंगे चारों में तो सही हो जाएगा। तो अभी मैं आया था मंचूरियन खाने, ये देखो ये रात को लाए थे मंचूरियन लेकिन खाया नहीं, चलते हैं भाई खाते हैं। तो दोस्तों अभी दोपहर के 11:30 बज गए और नहा धोकर मैं रेडी हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, मतलब अभी तेल वगैरह सर में लगाया हूँ। रात खाने में बना है पराठा और ये प्याज की चटनी, ये प्याज की चटनी काफ़ी ज़्यादा मुझे आएगी भाई, थोड़ा सा इसमें प्याज ले लूँ, ये देखो रखा हुआ है कटा हुआ अभी, ये प्याज ले लिया है, खाते हैं भाई, जाते हैं दुकान लेके फिर। और आज तो शुरू से ही दुकान खुली होगी उनकी, गुरु जी की और योगेश की, तो आज भाई कल तो मालूम लग रही थी आज लग चुकी है, आज आपको दिखाता हूँ कैसे सेलिंग होती है, क्या सेलिंग होती है। अभी तक तो पानी पूरी की सेलिंग दिखा रहा था, आज बगल में राखी की, और रात में बताया नहीं, रात को जब मैं वहाँ पे था ना तो एक बगल में और दुकान लग गई, जहाँ पे मैं दुकान लगाता हूँ वहाँ पे एक और दुकान लग गई, लेकिन वो पूरी लग रही थी 15 फुट की, तो कोई अब मान के चलो कुछ हुआ कि वो आधी लगी। अब देखते हैं, वो भैया बोल रहे थे 2-3 दिन दुकान मत लगाना, अब पता नहीं वहाँ जाके पता चलेगा। दोस्तों खाना खा लिया और अभी मैं देखो नए जूते लाया था कल, कल रात को भी लाया था, अभी होती है अनबॉक्सिंग तो पहले हो गई इसकी, पड़ गए ये देखो 500 रुपये के जूते हैं, मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ फिर ऑनलाइन में तो टाइम लगता है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है मतलब छह ही उसके लिए ठीक है, और कहीं मैं घूमने फिरने जाता हूँ या फिर कहीं शादी पार्टी में कहीं भी, उसके लिए शूज़ अलग है मेरे पास जो कि लखानी के हैं, 18-19 सौ के लिया था, तो वो 1.5 साल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये छेले के लिए ठीक है, 500 के मान लो साल भर तो 7-8 महीने तो चल जाएंगे, अब ज़्यादा चलेंगे ना, अब रीज़न ये है, ये देखो अब क्या है, अब टेम्पो हो गया है ना तो इसी चक्कर में ज़्यादा चलेंगे। तो भाई चलते हैं आप, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और मैं बड़ौदा जाने वाला था तो मैंने ये टी शर्ट प्रेस करवा दिया था, किन्सी लोग पहन लिया हूँ भाई। तो दुकान ले आया हूँ दोस्तों और इन लोग का दुकान भी खुल चुका है, इधर नहीं लगाए हो, अरे वाह, नहीं मैं खाना खा गया हूँ तुरंत, खाना खा गया हूँ, अरे नहीं यार मैं खाना खा गया हूँ तुरंत ना, इसमें नहीं लगाओगे है ना राखी, तो उसमें भी बहुत ना है। अच्छा इसको अभी जुगाड़ बनाए हो, अच्छा रात को तो ना ये सो गया था इसमें, नीचे था ना है, सही है, चल मैं भी सामने से देखूं, अंकल जी ठीक है ना व्यवस्था, हाँ क्योंकि उसके पापा भी जायजा लेने आए थे, ठीक है बढ़िया। और आज ऊपर में तिरपाल है, मेरे को तिरपाल भी नहीं लगाना पड़ेगा, सही रहेगा भाई 3-4 दिन, पता नहीं जिस दिन दुकान लगेगा उस दिन दुकान हटेगा मेरा शायद, फिर लगवाएंगे सड़क के। क्या बोल रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं कि हाय बोल रहे हैं, अच्छा ये लास्ट खेप है का आपका, इनका आपका सही है, मतलब सुबह से लगाते हैं यहाँ एक 2 घंटा आराम खाना पीना खाने के बाद, और उसके बाद फिर वहाँ आप एक चाट कितने का बनाते हैं, 20 का, मतलब एक 20 रुपए के चाट में एक टिकिया डालते हैं ना, वही मैं बोला इतना बड़ा बड़ा टिकिया है, आप 10-10 रुपए का चाट बनाते हैं इतना बड़ा बड़ा टिकिया का, वही लगा मेरे को। तो अभी मैं दुकान यहाँ पर लगाया हूँ और इस तरफ में दुकान थोड़ी सी दब गई है, चेन दे दीजिए 10-10 रुपये, अरे मालिक ये लीजिए 40 का 40 पूरा चला गया। तो अभी मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे दुकान मान लो तभी है, शनिवार है और कल रविवार है, कल बसदेही बाज़ार भी जा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो ये जो टेंट लगा हुआ है ना, ये इसके जस्ट उस तरफ जो भैया निकल रहे हैं वहाँ से, ये देखो यहाँ पे मैं दुकान लगा सकता हूँ अभी, तो उधर से भी खुला दिखेगा, इधर से भी खुला दिखेगा, इधर दुकान दब गई है, किसी ने भी टेंट के नीचे लगाया है तो उसकी भी दुकान पता ही नहीं चल रही थी, पास में जाके देखा तो समझ में आया कि दुकान लगी है, और मैं यहाँ पर लगाऊँगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि जाऊँ उस तरफ लगा लूँ, उस तरफ लगा लूँ अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर यहाँ पर तो पर्दा पूरा खोल लेते हैं, लेकिन देख रहे हैं हवा है ना, हवा आता है तो पूरा राखी उड़ रहा है पूरा योगेश का। हाँ भैया, हाँ तीन जगह जा रहा हूँ वहीं पर लगा लेता हूँ, और कुछ भी सामान मैं सेट नहीं किया हूँ, वैसे ही रखा हुआ है बस, धीरे मत खुद ही खाओगे
उधर लगा लेते हैं, इधर ठेला मेरा दिखेगा। विकास भैया देखिए ठेला में कितने ज्यादा भीड़ लग गया है वहाँ पे। अरे और साहू जी बढ़िया है, मीठा है नहीं, खट्टा से तेज होगा, खट्टा से और तेज होगा। हाँ दही ले लीजिए। तो यहाँ दुकान लगाने का फायदा हुआ, वहाँ दुकान दिख भी नहीं रहा था और किशन था वो तो चला गया। अभी टिकिया और बना लूँ, ये चार चार बनाया उसको पैक करना है। दोस्तों यहाँ पे लगाने का फायदा हुआ है, चार जगह खत्म हो गई, पानी पूरी भी नहीं लगभग खत्म होने वाली है। वहाँ पे रहता ना तो टाइम तो लगता है, वहाँ पे भी रहता तो मेरे को पक्का पता है एक पानी तो आराम से बच ही जाता वहाँ पे। कल भी रिंकू इसी जगह पे लगाना, तो कल भी लगा लूँगा इसी जगह पे। तो दुकान में अभी योगेश और उसके पापा भी आए थे और गुरुजी भी आए थे, वहीं पे अभी से आए, नहीं पानी पूरी बची है, फिर किराया घर चलेंगे अपन। बहुत पूरा सामान रख दिया हूँ और भाई साहब राखी की दुकान क्या बात, अरे मालिक बैठे हैं। राखी को चाहिए तो लीजिएगा ना, अपना दुकान है, मजाक नहीं। रात को 1-2 बजे तक ठोके हम लोग खुद टेंट को रात में। हाँ परसों ना इसको लटकाओगे नहीं? हाँ सर। क्या इसको राखी को जुलाए वहाँ पे लटकाने वाला लटकाएंगे। तो दोस्तों ये मकई लिया था, अभी मकई खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तांजे भी खा रहा है, गुरुजी भी खा रहे हैं। योगेश अपना मकई खा लिया, उसके बाद काम करना चालू कर दिया। कहो गए योगेश अभी मस्त दिख रहा है ना? ना गुरु जी आपके दुकान का सबसे बेस्ट राखी अभी तक बेस्ट से लगा। अच्छा कछुआ वाला है ना? कितने कितने का है दोनों? 40-40 का दोनों। कम भी कर दे रहे हैं जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं उनके लिए, कम कर दे रहे हैं। ज़्यादा मतलब 10-15 रुपये ले लेते हैं कुछ लोग, 4-5 पीस लेते हैं एक ही राखी। अच्छा 10 रुपये तक कम कर देते हैं, क्या करेंगे थोड़ा कम कमाएंगे। एक राखी में 10 रुपये की कि टोटल में 10 रुपये? अच्छा एक राखी में 10 रुपये कर दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये वाला बिका कर कल बिका कितने का? 90 रुपये का। ठीक है यार। वहाँ से दोस्तों मैं घर आ गया और मेरे को आज तकरीबन 1 घंटा हो गया। अभी मैं अपनी आधी वीडियो एडिटिंग कर लिया हूँ, अभी बाज़ार वगैरह जाना है या फिर वहीं जाऊँगा, राखी बेचूँगा भाई साथ में। तो दोस्तों बाज़ार आ गया था, मैं आए हैं, मेरे पापा भी आए हैं, सब्जी वगैरह ले लिया हूँ, अभी प्याज ले लिया, आलू का एक बोरा भी लेना है। 5 किलो ना दीपक, कहाँ गए यार? 5 प्याज हो गया है, ये डायपर ले लिया हूँ 350 वाला बड़ा वाला, और ये हो गया टमाटर वगैरह सब कुछ हो गया। एक बोरा आलू ला दो बड़ा बड़ा, कितना? एक बोरा। तो अभी घर आ गए दोस्तों और ये पैकेट भी आ गया, फट गई का, और ये आलू को पटक दिए भाई, इसको अंदर ले जाना है अब। तो घर में सामान रख के खाना पीना खा के पूरा काम करके फिर से मैं आ गया हूँ अपने अड्डे पे। मतलब अभी ना दिन में भी यहीं रहता हूँ, रात को भी मान लो 10-11 बजे तक यहीं रहता हूँ जहाँ पे गुरुजी का दुकान लगा। लाइट उठ नहीं लगाओगे यार? उस तरह तो लाइट वगैरह पूरा लग चुका है सबकी दुकान में ना सर। लाइट आज लग जाएगी कि अभी लगेगा? थोड़ा देर लग जाएगा ना। ठीक मच्छर काट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मच्छर हो, क्या बोलूँ, मच्छर से मेरा जन्मजात बस बहुत चिड़े ना बहुत काटता है। और नहीं है ये थाली इतना छोटा छोटा है, स्टेटस में मैं देखा बड़ा बड़ा था यार, थोड़ा सा लग रहा था। कितने का थाली सर ये? 200-250। चना वाले चाचा इनका टाइम भी हो गया जाने का, भी आधा घंटा हम चला जाएंगे, 6 बजे आते हैं और
दस ग्यारह बजे चले जाते हैं, मैं बारह बजे आता हूँ, मतलब चार चार घंटा की ड्यूटी है दोनों का। प्याज महंगा, प्याज कितना चल रहा है अभी? 40 रुपए किलो प्याज। खराब हो जाएगा, देसी वाला। देसी वाला अगर छोटा छोटा वाला मिले, हाँ, दो चार पाँच किलो लेके रख सकते हैं। अब मान लो मैं प्याज का बोरी ले लेता हूँ तो मेरा तो खराब नहीं होगा, मेरे को यूज है। मान लो बूढ़ी जी बोलते हैं 10 किलो ले लूंगा, खराब हो जाएगा वो ना। कहाँ गया योगेश? खाना खाने, खाना खा तो खाना खानी है अभी। मुर्गा खा लीजिए। पचास किलो वाला प्याज, मुर्गा दीजिए 10 रुपए का। थोड़ा सा खा लूंगा मैं तो, खाना खा के आया हूँ, घर आ गया। और चलिए दोस्तों, इस वक्त यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। कल संडे है, कल देखता हूँ कल वहाँ जाऊँगा कि नहीं। बस दही इच्छा तो नहीं है, क्योंकि ना वहाँ जाऊँगा तो 8-9 बजे तक आ पाऊँगा, फिर वो दुकान में भी रहना है साथ में थोड़ा सा, क्योंकि आज 27 तारीख हो गई। आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, और 28 तारीख मेरा भाई भी जा रहा है यूपी बहू के साथ। देखते हैं जैसा भी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।